hello and good morning all of you i welcome you all to the alpha s academy weekly short current affairs series this series is primarily focused as on upsc exams as well as the pcs exams uh, the format of the news इज़ दॉर्ट न्यूज एंड विल क्विकली गो थ्रू द शॉर्ट न्यूज ऑफ द वीक इट कवर्स फॉर दी होल वीक फ्रॉम इलेवेंथ ऑफ अप्रैल टू एटीन ऑफ अप्रैल तो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दी लर्निंग पावर्टी न लर्निंग पावर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसे दस साल से नीचे बच्चे ऐसे बच्चे जो कि दस साल जिनकी उम्र दस साल से कम है जो कि एक सिंपल स्टोरी पढ़ नहीं सकते एंड लिख नहीं सकते द परसेंटेज ऑफ टेन ईयर ओल्ड हो कैनॉट रीड और राइट सिंपल स्टोरी इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग पावर्टी इन इंडिया हैज शॉर्ट ऑफ फ्राम फिफ्टी फोर परसेंट टू सेवेंटी परसेंट मतलब सेवेंटी परसेंट बच्चे दस साल से कम की उम्र के एक ऐसे हैं जो कि सिंपल स्टोरी ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं देन एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस अक्रॉस इंडिया अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट सिटीज़ में हीट जो स्ट्रेस है या जो गर्मी है वो बढ़ते जा रहा है और उसके लिए आ, आई एम डी एंड नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल ने बोला है कि आप लोग जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहें हैं जूट के बारे में पढ़ लेते हैं जूट जो है उसको तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है इट इज़ नेटिव टू दी सब कॉन्टिनेंट दट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है ये इट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और इसको तो क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है वार्म एंड वाइट वेट थोड़ा सा गर्मी और नमी वाला चाहिए होता क्लाइमेट चाहिए होता है विच इज़ ऑफर्ड बाय मानसून क्लाइमेट ड्यूरिंग द फॉल सीज़न जब पीछे जा रहा होता है ना मानसून हट रहा होता है उस टाइम uh, समर के बाद उस टाइम जो वेदर होता है वैसा वेदर चाहिए होता है एन टी सी स्टैंड फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है इसमें क्या होगा कि पहली बार इनकी मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई है इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द मीटिंग इज़ हेल्ड आउटसाइड द नेशनल कैपिटल दैट इज़ डेली और इंडिया जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें इंडिया में जो है सेवेंटी परसेंट ऑफ जो टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में है नाउ पिनाका रॉकेट सिस्टम पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है है ना मल्टी बैरल मतलब ऐसे देखा आपने ऐसे रहता है और बहुत सारे ऐसे ऐसे रहेंगे ठीक है थीके? तो इसी को ही मल्टी एक साथ दर 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 करके छूटता ना एक साथ उसी को मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बोलते हैं आ, इसको किसने बनाया डी आर डी ओ ने ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के लिए बनाया देन नीति आयोग ने एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स निकाला है उनके पैरामीटर्स क्या क्या है डिस्कॉम मतलब जो डिस्कॉम्स का मतलब होता है जो जैसे आ, आपके यहाँ सरकारी होंगे कहीं प्राइवेट होंगे डिस्कॉम्स होते हैं जो बिजली का वितरण करते हैं जो बिजली वितरण करते हैं डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एक्सेस क्लीन एनर्जी इनिशियटिव इन्वामेंट सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिवस एनर्जी एफिशियंसी ये तो इनके पैरामीटर्स हैं गोवा त्रिपुरा और मणिपुर इसमें हाइस्ट परफॉर्मर थे बड़े स्टेट्स में गुजरात केरला और पंजाब ने अच्छा परफॉर्म किया और यूनियन टेरेटरीज़ में चंडीगढ़ दिल्ली एंड दमन एंड दीव ने दैन इंटरने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोल्यूशन फॉर ट्रैफिक ये किसने दिया है मी ने दिया है मिटी स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पार्ट है एक उन्हीं की स्कीम है इंटेलिजेंट उन्हीं की स्कीम है इन ट्रांस से उसके अंदर वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं उसी के अंदर ये चीज स्टार्ट की गई है देन हेलना हेलना को जो है डी आर डी एल ने डिवेलप किया डी आर डी एल डी आर डी एल एक डी आर डी ओ का ही पार्ट है डी आर डी एल स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट लेबॉरट्री ठीक हैदराबाद में है डी आर डी एल इनफैक्ट देरी ग्रेड आर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैडेड है दिस लेबॉरट्री उन्होंने ये हेलिना बनाया हैलिना है कुछ नहीं है ए टी जी एम है ए टी जी एम का मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है uh, और ये मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम के अंदर बनाई गई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हेलिना याद रखना हेलिना डी ने बनाई है डी आर का एक पार्ट है और एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसको जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा दिया जाता है हमारे पास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास ध्रुव है है ना इसलिए उसको जो इंडियन एयरफोर्स को जो ये दिया गया तो उसको दुर्वास्त्र द्रवास्त्री बोला गया और ऑल वेदर में काम कर सकती है देन नादा नादाबेद सीमा दर्शन प्रोजेक्ट अब क्या होगा कि भारत सरकार बोलती है ले जाती है लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आ, सीमाओं को दर्शन कराने के लिए कि आप देखिए पाकिस्तान से जो बॉर्डर लग रहा है या चाइना से जो बॉर्डर लग रहा है ना नादाबेद का है नादाबेद गुजरात में ये टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आ, जीरो पॉइंट तक ले जाते हैं जहाँ से कि लोग देख सकते हैं कि जो बॉन्ड जो हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लग रहा है वो कैसा दिखता है तो उसी के लिए नादाबेद सीमा दर्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है दैन डॉनियर टू टू एट एक एक एयरक्राफ्ट है अलायस एयर ने इसका अभी डिलीवरी लिए फर्स्ट टाइम अभी इंडिया में बनाया गया बाई एच एल हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया देन बटरफ्लाई पाम किंग ये बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है पाम किंग जो है आ, इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन तमिलनाडु है ना और इसके जो है आप एक बार देखें तो बड़ी सुंदर सी दिखती है ये ब्राउन कलर एंड डार्क बैंड्स हैं इसके एंड ये शेड में ही ज़्यादा रहती है ठीक है नाउ वाइट स्पॉट डिजीज वाइट स्पॉट डिजीज इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन डी एन ए बेस्ड इन्फेक्शन है ये अफेक्ट्स क्रस्टेशंस जो मैं आपको क्रस्टेशंस मतलब एक फैमिली एनिमल्स की जो कि सी में रहते हैं जैसे केकड़ा है वो एक टाइप का क्रस्टेशन है द डिजीज इज कॉज्ड बाय वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस मीरातुल अकबर क्या है अकबर एक न्यूज़पेपर था फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1822 में एंड राजा राम मोहन रॉय जी ने इसको स्टार्ट किया था पर्शियन न्यूज़पेपर था ये और फ्राइडेज़ को आता था हर फ्राइडे को आता था ये ट्री ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला है किस किस को मुंबई एंड है है, हैदराबाद को किसने दिया है यूनाइटेड नेशंस एफ ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अबॉर डे फाउंडेशन द यूनाइटेड नेशन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम प्रोग्राम स्टार्ट्स एक्चुअली थोड़ी सी स्लाइड में कुछ दिक्कत है ए फाउंडेशन यहाँ से कट गया है एक्चुअली ट्री ऑफ द सिटी के बारे में ही लिखा हुआ है हाल नीचे वाला वी अपॉलेजाइज फॉर द सेम ये ए फाउंडेशन आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे देन नेपट्ट्यून क्रूज मिसाइल द नेप्ट्यून इज़ अ कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेवल वेसल्स इन अ रेंज ऑफ थ्री हंड्रेड किलोमीटर ठीक है एक क्रूज़ मिसाइल है जो कि एंटीशिप मिसाइल है को क्या याद रखना है कि बस क्या है नेपट्टून क्या है एक एंटीशिप एंटीशिप मतलब शिप को मारने के लिए है माधवपुर मेला गुजरात में होता है इसका कनेक्ट जो है मिशमी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की उससे किया जाता है और एक कल्चरल फेस्ट uh, है जो कि रामनवमी को स्टार्ट uh, होता है ठीक है देन ई डार ई डार्टार्ट फॉर ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट कुछ नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का एक प्रोजेक्ट है उसमें क्या हुआ कुछ नहीं इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो एक्सीडेंट कंपनसेशन है वो क्लेम जो है उसको एक्सीट किया जा सकता है दैन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम ई स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए की गई है इम्पोर्ट अलाउ करती है ये फॉर प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ई पी सी जी स्कीम में क्या है कि ज़ीरो बेसिक कस्टम ड्यूटी ज़ीरो कस्टम ड्यूटी नहीं बेसिक कस्टम ड्यूटी दी गई है आई जी एस आई जी एस टी दैट इज़ इंटीग्रेटेड जी एस टी एग्जामड है एंड कंपनसेशन सेट भी एग्जाम्ट है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देनी है तो बाहर के क्या होगा जो खरीदेगा वो सस्ता पड़ेगा जब सस्ता पड़ेगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ सकती है हमारे प्रोडक्ट्स की देन पॉइजन पिल स्ट्रेटजी पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी ट्विटर एंड ऑफ्ट की पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब आप डाइल्यूट करते हैं और स्टेक्स तो आपके जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास एक राइट right होता है राइट टू परचेज एडिशनल स्टॉक एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मान लिया आप और शेयर दे रहे हैं आप बाहर दस रुपये में बेचते हैं आप वो कहते हैं कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको पाँच रुपये में ही दे देंगे तो इसी को ही पैजन पिल स्ट्रैटेजी uh, बोलते हैं इट इज़ ऑफिशियली नोन एज शेयर होल्डर राइट्स प्लान देन क्ले साइक्लोपियन वॉल ये बिहार में है साइक्लोपियन वॉल एक राजगीर सिटी है एंशियंट सिटी साइक्लोपियन वॉल उसको घेरे हुए है चालीस किलोमीटर की एक वॉल है और बिहार हैज़ अगेन सेंट दी प्रपोजल टू यूनेस्को फॉर कि इसको भैया आप हेरिटेज का टैग दे दें 2500 साल पुरानी ये दीवार है इट वॉज बिल्ड बिफोर थर्ड सेंचुरी बी सी देन रबड़ बोर्ड के बारे में देख लेते हैं रबड़ बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है कोयटम में, हाँ, में है कोइटम में है कोई्टम कहाँ है आपका केरला में है रबड़ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा केरला में होता है उसके बाद त्रिपुरा में होता है देखो याद रखना है आपको लगेगा कि कहीं सदरन स्टेट्स ही होगा तो फर्स्ट में तो केरला है लेकिन सेकेंड में इधर त्रिप्टा है स्टैचुअरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देन ऑयल बॉन्ड्स ऑयल बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हो जो अब क्या होता है कई बार ऑयल मार्केटिंग कंपनी कंपनी जो है तेल महंगा आ रहा होता है लेकिन आप हर सारा बर्डन लोगों पर नहीं डाल सकते हैं तो उस इफेक्ट अब क्या होता है कि कई बार उसके चलते क्या होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होना चालू हो जाता है तो उस नुकसान को कम करने के लिए या उस नुकसान को भर, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है बॉन्ड फ्लोट करती है मार्केट में उसको ऑयल बॉन्ड्स कहते हैं ठीक है एस एल आर के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते हैं कोई आप ऐसा नहीं कि आप उन बॉन्ड्स को एज अ स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो रख सकें उनके लिए इसलिए उनकी लिक्विडिटी कम होती है वो एक टाइप के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं कि आपको अलग अलग समय पे पेमेंट मिल जाएगी दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट ऑफ सब्सिडीज़ दैट गवर्नमेंट ओज टू ओ एम सीज सि गवर्नमेंट डिड नॉट सब्सिडाइज दिज कंपनीज दिस पे आउट दज नाट शो अप इन बजट डॉक्यूमेंट्स अंटिल द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट्स टुक प्लेस फिर एक है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसको फ्लैक्सिक काउंसिल भी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर बना हुआ है तो स्टैचरी बॉडी वॉडी कुछ नहीं है पैरबॉय्ड राइस क्या होता है कि जब मिलिंग से पहले ठीक है मिलिंग से पहले और जब वो पैडी स्टेज में होता है जब वो निकल के आता है मिलिंग से पहले उसको हल्का सा उबाल लिया जाता है हल्का उबालते हैं पूरा नहीं उबालते हैं हल्का उबालते हैं उसके बाद से मिलिंग के लिए भेजा जाता है उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है राइस को टफ़र बनाता है एंड दिस रिड्यूस द चांसेज ऑफ राइस न करने मतलब जो राइस के दाने होते हैं वो टूटते नहीं हैं मिलिंग के अकॉर्डिंग वो न्यूट्रियट वैल्यू जो है राइस की बढ़ाता है और रेजिस्टेंस बढ़ाता है राइस का इंसेक्ट्स एंड फंजाइस फंजाई मतलब उस पर जो है इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं फंगस नहीं लगती है डिसएडवांटेज क्या देखे गए हैं कि उससे जो है राइस डार्कर हो जाता है इनफैक्ट इट मे स्मेल अनप्लेजेंट ड्यू टू प्रोलोंग सोकिंग ठीक है देन बैटरी स्टोरेज एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दीज आर द डिवाइस दैन इनेबल एनर्जी फ्राम रिन्यबल्स लाइक सोलर एंड विंड टू बी स्टोर्ड एंड देन रिलीज वैन कस्टमर्स नीड पावर मोस्ट ठीक है वो सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब जरूरत चाहिए ज़रूरत होती है कस्टमर को तो दोबारा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीक एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक एंड टिल देन कीप हैप्पी कीप अ स्माइलिंग टेक केयर एंड वी शल सी यू नेक्स्ट वीक टेक केयर